नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के कानपुर के मझावन गांव में युवती की निर्मम हत्या से गांव में फैली सनसनी। मवेशियों को चारा देने गई युवती की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से वार कर युवती को उतारा मौत के घाट। युवती का लहूलुहान शव देख परिवार में मचा कोहराम। गाँव के 3 युवकों पर हत्या का आरोप। एक तरफा प्रेम प्रसंग के मामले में दोनों परिवारों में था विवाद। पुलिस ने हत्यारोपी एक युवक को किया गिरफ्तार। बीघनू थाना क्षेत्र के मझावन गांव की वारदात। कानपुर जिला ब्यूरो दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम बेटा आपका? कोमल। किस गांव के निवासी हैं? मिर्जापुर। अच्छा, क्या घटना आपके यहाँ हुई है? 6:30 बजे मेरी बहन को फरसा से मार दिया। रणधीर सरनाम और हन्नाम उनके लड़के भी और गांव में अपने परिवार में छिप गए। किस गांव के निवासी हैं? मिर्जापुर। अच्छा, कितने समय घटना है? 6:30 बजे की। किस बात को लेकर मारपीट किया घटना? पहले का विवाद था, गए का आज कोई विवाद नहीं था सर। आई थी मेरी बहन, बसानी कर रही थी, बस फरसा से मार दिया। 3-4 जगह फरसा मारा और पहले हमें भी मारा, उसे भी मैं 2-3 बार मार चुकी है। इनके लड़के भी उल्टी सीधी जगह पे मारा, मेरी बेइज्जती दोनों की किया, खेतों में घेर के मारा, मारते रहे, बेइज्जती करते रहे। अच्छा, इसमें जो पहले घटना आपके साथ होती रही, इसके उच्च अधिकारियों के आपने शिकायत किया था कभी? यस, मेडिकल भी हुआ, सब कुछ हुआ, कोई सुनाई नहीं थी। बिदनू थाना गए थे, बिदनू थाना गए थे। यस, मेडिकल भी हुआ था, अंदर ने इतना मारा था, बैर भी मझावन भी गए थे, बिदनू भी गए, कोई सुना। आज घटना करने में कितने लोग थे, कौन कौन लोग थे? आज यहाँ पे कोई नहीं था, तो वही मार के भाग गए हैं। कौन? रणधीर सन्नाम, हन्नाम, मोहित, सब मिल के वो कर रहा है, भाई भाई है, बस मार के परिवार वाले पन्ना के घर में छिप गए हैं। अच्छा, इसमें जो आरोपी है क्या पकड़े गए हैं क्या कुछ लोग? वो जो रणधीर पकड़ा गया है वो अपने परिवार में छिपा था घर में, पन्ना घर में। घटना ये अटवा मिर्जापुर गांव है, यहाँ पे हुई थी सुबह। एक हमें लोगों को एक सूचना मिली थी कि जो एक युवती है, लगभग जो उनकी एज है 23-24 के आसपास, उनकी किसी एक व्यक्ति है, गांव के व्यक्ति उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। जो मुलजिम था उसको गांव के सहयोग, गांव के ही लोगों के द्वारा पुलिस के उसको अरेस्ट भी कर लिया है और परिवारजनों से हम लोगों ने जो तहरीर है वो भी प्राप्त कर ली है। इस पर मुकदमा लिखाया जा रहा है और जो जिनकी मृत्यु हुई है उनका पोस्टमार्टम के लिए और सारी चीज़ों के लिए हमने उनको भेज दिया है। यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम भी आ गई, सारे अधिकारी भी आए थे। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कह दूंगा कि जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व होंगे उनको बहुत से कड़ी सजा मिलेगी। जैसे परिवारजनों ने पुलिस पर एक आरोप लगाया है कि कार्रवाई ना करने पर, देखिए कुछ जो यहाँ के गांव के लोग भी हैं वो बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे जो चौकी इंचार्ज वगैरह थे उनका जो रवैया था वो ठीक नहीं था, तो उसकी भी हम लोग जाँच करा रहे हैं।